जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस अटैक में वायुसेना का एक सैनिक बलिदान जबकि चार अन्य घायल हो गए। अब सूत्रों के हवालों से पुंछ में हुए हमले में पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF का नाम सामने आ रहा है। यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। PAFF ने पिछले साल भी इसी तरह के हमले को अंजाम दिया था। आतंकियों की तरफ से इस हमले को ऐसे समय में अंजाम दिया गया है जब 3 हफ्ते में अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने वाला है। रविवार सुबह से ही पुंछ के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने नाके लगा दिए हैं और इलाके में चेकिंग चल रही है। भारतीय सेना के अतिरिक्त बल शनिवार देर रात पुंछ में JWC पहुंचे, जो सर्च ऑपरेशन में मदद कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने हमले के बाद बताया कि काफिले को सुरक्षित कर लिया गया है। वायुसेना ने बताया कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वायु सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई। इस दौरान 5 सैनिकों को गोली लगी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान एक वायु सैनिक शहीद हो गए। वहीं पुंछ में हुए इस आतंकी हमले के बाद PAFF एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस संगठन के बारे में। खबरों के मुताबिक पुंछ में हुए कायराना हमले को जिस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया है, वो ऐसा पिछले साल भी कर चुका है। वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद अधिकारियों ने आतंकियों के उसी समूह के अटैक में शामिल होने का संदेह जताया है, जिसने पिछले साल 21 दिसंबर को पास के बुफलियाज में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे जबकि 3 अन्य घायल हुए थे। जानकारों का ऐसा कहना है कि PAFF आतंकी मसूद अजहर के नेतृत्व वाले जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ संगठन है। ये अक्सर ही घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है। जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तभी ये आतंकी संगठन चर्चा में आया। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हुए अधिकांश आतंकी हमलों की जिम्मेदारी PAFF ने ली है। बताते चले कि PAFF आतंकी हमलों को अंजाम देने के दौरान बॉडी कैमरे का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वीडियो को रिलीज कर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। गृह मंत्रालय ने PAFF को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 35 के तहत आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इस आतंकी संगठन ने पिछले कुछ सालों में घाटी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी दी है। PAFF ने कब हमले को अंजाम दिया? दरअसल PAFF ने पिछले साल 21 दिसंबर को सेना के काफिले पर हमला किया था। सेना के वाहन में सवार होकर सैनिक सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तभी सूरनकोट पुलिस थाने के अंतर्गत धेरा की गली और बुफलियाज के बीच हथियार मोड़ पर आतंकियों ने ये हमला किया था। घात लगाकर किए गए इस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे जबकि 3 सैनिक घायल हुए थे। पिछले साल ही 20 अप्रैल को पुंछ जिले के मेंढार तहसील के भट्टा दुरियान इलाके में PAFF के आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इस हमले में सेना के वाहन में आग लग गई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हुए थे। ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो पुंछ में हमले के बाद अभी जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।